गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम नजदीक है और आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग शमशेर सिंह। गुड मॉर्निंग मीला जी। आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल पे नए हो उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है साथियों, चलो सभी आ जाइए, सभी साथी आ जाइए मेरे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी जाती है उन सभी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो देखते हैं। देखो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सीटेट और एसटेट के जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी को देखो, 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे मैथ की, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, सीडीपी की 3 बजे और ईवीएस की 6 बजे और हिंदी की होती है 10 बजे। ये आपकी क्लासें हैं। ठीक है, और इनके सभी के एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं, तो एमसीक्यू भी जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन सीधे इसी के उठ के आ जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में से, तो इन क्वेश्चनों को कवर रखिए जिससे आपको किसी में भी आपको परेशानी ना हो। सभी के पास ऑडियो और वीडियो तो क्लियर है? ये आपकी क्लासें हैं। बिल्कुल, ऑडियो एकदम क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, चलो तो देखते हैं अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, जो सीटेट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे हमारे मैथ के। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को निकालने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर किसी में भी कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले ज्यादा से ज्यादा क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलो तो फिर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम ने 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन 23 रन है। कितने रन है, यानी कि 23 रन है 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, पहले खिलाड़ी द्वारा या पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 113 रन बनाए। ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों के टोटल औसत दिया हुआ है आपको 23। ठीक है, पहले खिलाड़ी का रन दिया हुआ है आपके पास 113। शेष खिलाड़ियों के औसत रन दर पूछिए, क्या पूछे हैं, रन औसत रन पूछे हैं कि औसत रन कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोगे आप इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कुछ भी नहीं, इसमें 11 खिलाड़ियों की आपको दी हुई है। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, जिसको भी फॉर्मूला याद है एवरेज वाला, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम ऑफ टोटल कर देना आप। ठीक है, यानी टोटल संख्याओं का योग। ठीक है, टोटल संख्याओं का योग और आपके पास नंबर्स, यानी कितने नंबर्स हैं, जैसे 11 खिलाड़ी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, 20 खिलाड़ी हैं, तो उनके नंबर्स की संख्या। ठीक है, उनके नंबर लिख दो। अब आप देखो एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपके पास अगर दिया होता है, जैसे मैंने 23 एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, और इन एवरेज कितनी संख्याओं का है, 11 खिलाड़ियों का एवरेज है, तो मैंने 11 रख दिया, तो इसका टोटल आ जाएगा सभी का, 11 खिलाड़ियों द्वारा टोटल बनाए गए रन आ जाएंगे आपके पास, बिल्कुल आ जाएंगे। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे आपका कितना बनेगा, 11 तिया 33 बनता है, तो 11 खिलाड़ियों का टोटल कितना हो जाएगा, 11 प्लेयर्स का टोटल कितना हो गया, 23 × 11। ठीक है, 11 तिया 33 हो गया है, 3 बच गए, 11 × 2 = 22, 22 और 3 ऐड करते हो तो 25। ठीक है, तो ये तो सभी को क्लियर है, यानी कि 253 आपके पास टोटल हुआ है। अगर इसने कहा कि जो 11 खिलाड़ी है उसमें से पहले खिलाड़ी के रन कितने हैं, 113। कितने रन है, 113 रन है, 113 रन बनाए जाते हैं, 113 माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर बचा है आपके पास 4।
यहाँ पर बना है, ठीक है। ये कितने खिलाड़ियों का है? ये 10 खिलाड़ियों यानी 10 प्लेयर्स का आपके पास टोटल दिया हुआ है, 10 प्लेयर्स का टोटल दिया हुआ है 140। अब आपके पास शेष खिलाड़ियों का औसत रन दर पूछा है, औसत रन कितना हुआ, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन निकालना है। टोटल आपके पास 10 खिलाड़ियों का दिया हुआ है 140। अगर औसत पूछता है तो 140 में से क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आपका आंसर हो जाएगा 14। कितना आंसर हुआ, 14 आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो तो आ जाइए सभी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपका था नॉर्मली क्वेश्चन था, इजीली, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया 3। अब आपको निकालना है, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक नाव में 15 नाविक थे और उनका औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। जब चालक दल में दल से किसी जिसका वजन 42 किलोग्राम था और उसके स्थान पर नया व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है, ठीक है, बिल्कुल 1C है। दूसरे का देखिए अच्छी तरीके से, इसका राइट आंसर बताने की पूरी कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। नए आदमी का वजन पूछा है किलोग्राम में, ये बताना है। तो बता दीजिए, चलो देखते हैं इसमें, देखो क्या कहा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको ये कई बार इजी तरीके से भी बताया है, बेसिक तरीके से भी सिखाया है। एक नाव में कितने हैं, 15 नाविक हैं, कितने नाविक हैं, 15 नाविक हैं, और आपके पास वजन कितना बढ़ा है, वजन आपके पास कितना बढ़ा है, 1.6 किलोग्राम बढ़ चुका है, ठीक है। चालक दल में एक जिसका वजन 42 किलोग्राम होता है, एक नए व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित होता है। देखिए 15 व्यक्ति हैं, एक नाव के अंदर 15 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, नाव के अंदर क्या है, 15 व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान रखना 15 व्यक्ति बैठे हैं, और एक क्या किया, एक व्यक्ति गया है और उसके स्थान पर दूसरा आया है, और जाने वाले व्यक्ति है उसका वजन कितना है, 42 किलोग्राम, कितना है, ध्यान रखना 42 किलोग्राम है। अब इसने कहा कि जो 15 नाविकों का जो भी औसत है, जैसे मैंने कहा इन 15 नाविकों का जो ये गया नहीं था उस समय अक्ष था, क्या था उस समय, अक्ष था, ठीक है। अब उसका वजन क्या हुआ, जब इसके जाने के बाद में दूसरा नया आया, तब उसके औसत वजन में कितने की वृद्धि हुई है, यानी जो पहले अक्ष था उसमें कितने की वृद्धि हुई है, उसमें 1.6 की वृद्धि हुई है, यही हुई ना, ठीक है। अब जब 1.6 की वृद्धि हुई है, मतलब याद रखना, यानी x में 42 यानी कि वृद्धि हुई है, मतलब ये जो वजन गया था वो तो वापस लेकर आएगा, यानी 42 किलो तो लेकर लेकर आएगा, लेकिन जो 1.6 बड़ा है, 1.6 बड़ा है, वो सभी में बड़ा है ना, यानी 15 के 15 स्टूडेंटों में ये चीज बड़ी है। तो बताइए जब 15 में आपका 1.6 बढ़ रहा है, ठीक है, यानी औसत बढ़ रहा है, तो टोटल कितना मान बढ़ा, एक बताइए, 15 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 1.6 से, यानी टोटल वजन आ जाएगा आपका, तो 15 6 90 होता है, 9 मैंने लगा दिया, 15 1 15 हो गया, और 15 में 9 और आपका 5 ऐड करता हूं तो कितना बनता है, 24, कितना बनता है, 24 ऐड कर दिया, यानी 24 हो गया है, ठीक है। और दशमलव आपके एक संख्या के बाद में है, 0 से मैंने कैंसिल कर दिया, आपके पास 24 होगा, और 24 आपका क्या है, 24 जो बड़ा है उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 42 तो आपके पास लेकर गया था वो लेकर आएगा, और जो दशमलव बड़ी है वो कितनी है, ऐड कर दो दोनों को, तो कितना आंसर हो जाएगा आपके पास, 6 तो आपका ये हो गया और 6 आपका ये, यानी 66 केजी आपका आंसर होगा, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, और इसका राइट आंसर है 3, ठीक है। अगर बेसिक तरीके से करते हो तब भी आपको थोड़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेंथ हो जाएगा, यानी थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल 24 हुआ, और 24 में हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना हुआ, 42 लेकर आएगा, और 24 बड़ा है तो इसका मतलब टोटल आपके पास कितना हुआ, 66, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, 66 आपका राइट आंसर है, ठीक है, 3 इज करेक्ट, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री को, जैसा भी आंसर हो आपको करके बताना है कि एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 72 है। ध्यान से देखिएगा, 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 है। कक्षा में लड़कों की संख्या है। देखो मैंने इसका तरीका आपको सिखाया था बेसिकली। कितने छात्र हैं टोटल? 50 छात्र हैं, जिसमें से हमें पता नहीं कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। लेकिन 50 छात्रों का औसत अंक कितना है? 72 टोटल विद्यार्थियों का, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, लड़कों का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। अगर बॉयज का हम एवरेज देखते हैं तो बॉयज का एवरेज कितना हुआ? 70। मैंने यहाँ पर लिख दिया 70, ठीक है। गर्ल्स का दिया हुआ है, गर्ल्स का 75 दिया हुआ है, 75 लिख दिया मैंने गर्ल्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यानी क्रम से दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो, यानी आपके पास टोटल छात्रों का या टोटल चीजों का आपके पास एवरेज दिया हुआ हो और दोनों आपको दो भागों में बांट के दोनों का अलग अलग एवरेज दिया हुआ, तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। देखो बॉयज का दिया हुआ है हमारे पास, बॉयज का रेशियो हमारे पास दिया हुआ 70 और गर्ल्स का हमारे पास दिया हुआ 75 अंकों का, ठीक है। और टोटल 50 छात्र हैं और 50 छात्रों का औसत अंक कितना है? 72। मैंने यहाँ पर लिखा 72, इसे हम मिश्रण से भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, 72 के अंदर से 70 आपके पास 70 गया तो आपके पास 2 बच गया, ठीक है। 75 से 72 माइनस गया तो आपके पास कितना बचा है? 3 आपके पास बचा है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बचा है, यानी 3.2, यानी कि 3 तो है बॉयज और 2 है आपके पास गर्ल्स, यानी टोटल आपके पास कितनी है? टोटल गर्ल्स और बॉयज है आपके पास 5, और टोटल हमारे पास संख्या में दिया हुआ है, ये तो रेशो का अनुपात है 5, और आपके पास टोटल पहले ही कक्षा के अंदर दिया हुआ है कि 50 छात्र हैं, यानी 5 की वैल्यू आपके पास 50 है, ठीक है। अब आपसे पूछता क्या है कि कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है, तो लड़कों का रेशो कितना है? 3, तो 3 को रख दीजिए यहाँ पर। तो अब देखिए 5 से 5 काटा है, 10 हो गया, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका होगा 30। तो आपके कितने विद्यार्थी हैं, मतलब विद्यार्थियों में लड़के कितने हैं? 30 लड़के हैं और आपके पास 20 लड़कियां हैं, ठीक है। 30 तो आपके पास बॉयज हैं और आपके पास 20 है गर्ल्स, ठीक है। तो ये आपको पता रहनी चाहिए, क्लियर है। ये आपका हुआ आंसर इसका। अब हम बेसिक तरीके से भी जान सकते हैं, बेसिक तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, जिसको इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे मिश्रण में आप में से बहुतों को प्रॉब्लम आती होगी जिसके इस तरीके से नहीं आता है, तो हम बेसिक तरीके से भी करने का तरीका सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से भी करके देख लेते हैं। चलो बेसिक तरीके से भी तो सीखना आपको दोनों तरीके से सही रहेगा, क्योंकि इस तरीके से इजी पड़ जाता है, उस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी मल्टीप्लाई गुणा भाग बाकी में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर जिसने ये तरीके भी सीख लिए उसका भी बेड़ा पार है, क्यों? क्योंकि ये तरीकों में कैलकुलेशन कम होती है, गलतियां होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बेसिक से भी सीख लेते हैं, जिस तरीके से हम करते आए हैं शुरू से उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो आंसर तो इसका 4 हो गया, लेकिन बेसिक तरीके से भी करते हैं। देखो एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 50 छात्रों के औसत अंक 72 है, यानी कुल छात्रों के, अगर मैं कुल छात्रों की बात करता हूं कि कुल छात्रों का औसत, मतलब कुल छात्रों के अंक कितने हैं? 50 छात्रों के, यानी कि कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दो इससे इसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, विषय में लड़कों लड़के हमें पता नहीं कितने हैं, एक्स मान लो, लड़कियां कितने हैं, वाई मान लो, ठीक है। वही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। देखिए औसत अंक कितना है, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 72 को इंटू कर लो 50 से, ठीक है। कितना हुआ? 0, तो आपके पास ये रहा। अब देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 2 = 10 हो गया, हासिल 1 बच गई, 7 × 5 = 35 और 1 हो गया 6, यानी 36, ठीक है। आपके पास ये बचे हैं कुल छात्रों के अंक आपके पास है, ठीक है। अब लड़कों का हमें पता है कि लड़के कौन कितने हैं, तो लड़कों की संख्या हमने मान ली x और लड़कियों की संख्या मान ली हमने y, ठीक है।
अगर वाई नहीं मानते तो लड़के कितने हैं? लड़के माना कि हमने एक्स माने हैं लड़के, लड़कों की संख्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या मानो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50, 50 में से आपके पास एक्स तो लड़के हैं। अब लड़कियों की संख्या पूछते हैं, लड़कियों की संख्या ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है? देखो टोटल तो हमारे पास 50 है, कितने हैं 50 छात्र हैं, और एक्स लड़के हैं तो कितनी लड़कियां कितनी जाएगी 50 माइनस एक्स, ध्यान रखना, यानी 50 में से एक्स गया, इसको हमने 50 माइनस एक्स मान लिया और भी इजी हो जाएगा ठीक है। औसत अंक क्रमशः लड़कों का तो कितना है 70, यानी लड़कों की संख्या आपके पास एक्स है तो लड़कों का औसत, लड़कों के कितने अंक है, लड़कों के अंक कितने हैं, लड़कों के अंक कुल अंक याद रखना कितने अंक, कुल अंक ठीक है, कुल अंक कितना है आपके पास 70 तो आपके पास है और एक्स लड़के हैं तो 70 एक्स हो गया, यानी 70 एक्स हो गया। उसी प्रकार लड़कियों की बात करते हैं कि लड़कियों की आपके पास संख्या, यानी या लड़कियों की औसत का योग पूछ ले, या फिर आपको पूछ ले कि लड़कियों का अंकों का कुल योग ठीक है। कैसे करोगे, आपके पास लड़कियां कितनी है 50 माइनस एक्स, इसी प्रकार से करते हो, लेंथ ही हो जाता है क्वेश्चन, मुझे पता है ठीक है 75। अब क्या करना है आपको, इसको बेसिक से करोगे तो देखो आपके पास लड़कों का कुल अंक कितना है 70, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ आपके पास, अगर 75 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो हो गया 75x। इसको सोल्व करता हूं, पहले मैं इस चीज को सोल्व कर लेता हूं ठीक है, जिससे और भी आसान हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। चलो 75x तो ये हो गया, 75 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो आपके पास संख्या कितनी बचती है, 0 तो आपके पास ही, 25 दो आपके पास हासिल, 5 7 35 36 37 हो गए, यानी कि 3750 हो गए, ये आपके पास है। अब इसने कहा कि कुल छात्रों का टोटल हमारे पास 3700 दिया हुआ है ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है तो आपके पास एक्स है, लड़कों का कुल अंक कितना है 70x, कितना है 70x लिख दिया, और लड़कियों का कुल अंकों के योग पूछता है तो कितना होगा प्लस आपके पास 3750 माइनस 75 दिया हुआ है एक्स में, और बराबर में आपके पास दिया हुआ है टोटल कितना है, तो कुल अंकों का कुल छात्रों का अंक कितना है 3600, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस इसको सॉल्यूशन कर दो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा ठीक है। जैसे मैंने किया 70 में से आपका 75 गया तो कितना बचा है माइनस का 5x, और माइनस का 5x अगर इधर चला जाएगा तो 5x आपके पास बच जाएगा ठीक है, और आपके पास 3600 है अगर इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो गया तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास 50 तो ये होगा और आपके पास 150 बचेगा, कितना बचेगा 150 बचेगा। फिर अगर सोल्व करते हो तो x की वैल्यू कितनी होती है 5 3 15, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू है आपके पास 5 3 15, यानी 30 आपके पास x की वैल्यू है। अब एक बात बताना, लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी है x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 30। अब देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, अगर आप इस तरीके से करते हो क्या बोल रहे हो रोहित जी, क्या बोल रहे हो, ए प्लस बी के कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है दोस्तों संख्याओं पर, संख्याओं पर डिपेंड करता है किस प्रकार से संख्या दी जाती है, फिर तो फॉर्मूले बनते हैं इसके, ए प्लस बी के अगर स्क्वायर पूछे ठीक है, माइनस हो तो तब क्या करें, सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है तो बताइए, ये है आपकी बेसिक, अगर बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो इतना बड़ा कैलकुलेशन बनता है आपके सामने, और इतने बड़े कैलकुलेशन में आधी आधी बार तो आप बोर हो जाते हो ठीक है, तो बिल्कुल ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको ठीक है। तो ये थे आपको, मैंने दो तरीके से किया है, जो भी आपको बेस्ट लगे ठीक है। देखिए 8 व्यक्तियों का औसत भार आपके पास 2.5 kg बढ़ जाता है, देखो बढ़ने वाला घटने वाला है इसको ध्यान से देखिएगा ठीक है, जब उनमें से एक व्यक्ति का वजन 65 kg के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है ठीक है, नए व्यक्ति का भार आपको बताना है।
सभी को देना है आंसर, सभी को आंसर देना है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें क्या कहा है कि आठ व्यक्ति हैं, मानो कि एक कमरे में, ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चनों को बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन लंबी जोड़ी हो जाती है। अगर इस चीजों को ढंग से समझ लिया, मैंने आपको बहुत बहुत बार क्वेश्चन भी सिखाया है, आठ व्यक्ति है, मानो कितने व्यक्ति हैं, आठ व्यक्ति हैं, और आठ व्यक्ति का आपको औसत भार कितना माना कि एक्स भार है उसका, समझना, इसका कितना भार है, एक्स भार है, ठीक है। अब औसत भार में 2.5 किग्रा बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब उनमें से एक व्यक्ति का वजन 65 केजी के स्थान पर एक नया व्यक्ति ले लेता है, यानी आठ में से एक व्यक्ति बाहर निकाल दिया गया और वो है 65 केजी का, ठीक है। अब जो आया है आदमी, यानी कि एक नया व्यक्ति और आ गया है जाने के बाद में, उसके जाने के बाद में एक व्यक्ति नया आया है, ठीक है, और वो नया व्यक्ति जो आया है उसमें क्या करना है, जो आपके एक्स है उस एक्स में उसके आने से कितने की वृद्धि हुई है, 2.5 की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना कितने की वृद्धि हुई है, 2.5 की। अब एक बात बताना, वृद्धि होगी इसका मतलब क्या होगा कि जो ये वजन लेकर गया था वो तो वापस लेकर आएगा ही आएगा, अगर वो वजन लेकर आता वापस तो आपका आपको औसत कितना होता, एक्स ही होता। अगर 65 ही लेकर आता, जो लेकर गया है वो, अगर वो वैसे का वैसा ही लेकर आता तो आपका औसत भी वही रहता, सेम डिटो, लेकिन उसने क्या एक्स्ट्रा लाया है, वो क्या लेकर एक्स्ट्रा आया है जिससे उसका वजन 2.5 बढ़ा है। ये चीज जिस चीज के जिसके भी समझ में आ गई है तो उसका बेड़ा पार है, क्या क्यों लेकर आया है 2.5, वो अकेला वजन लेकर आया है, कितना उसके पास जो भी वजन होगा वो 2.5 तो एक्स्ट्रा होगा, लेकिन इनके लिए भी तो लाना पड़ेगा उनको, यानी आठ व्यक्तियों के लिए उसको कितना वजन लाना पड़ेगा, 2.5, यानी 8 पंजे आपके पास 40 बनता है, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 4 आपके पास 20 बनता है, और आपके पास 10 यहाँ पर लगी हुई है, 0 से ये 0 कैंसल, ठीक है, आपके पास 20 एक्स्ट्रा है, और आपके पास 65 तो लेकर आता ही आता, और 20 भी आप वो लेकर आएगा, जिससे आपका आंसर कितना बन जाएगा, 5 और 8, यानी 85 आपका राइट आंसर होगा, इतना केजी आपका आंसर बनेगा। अब देखो कोई भी कैलकुलेशन मैंने नहीं की है, बस आपको ये समझाने के लिए एक्स और वाई लिखा है, लेकिन अगर वो नहीं भी लिखता तो भी काम चल जाता, ठीक है। देखिए अगर आप इसके बारे में पूछ रहे हो कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हो तब क्या होता है, ये पूछ रहे हो क्या, यस या नो में जवाब दीजिए, यही पूछ रहे हो क्या, जल्दी से बताइए फिर क्वेश्चन करें। a प्लस बी का स्क्वायर, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ तो देखिए इसके बारे में बता देता हूं मैं, a प्लस बी के बारे में, अगर आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ab, 2ab, क्या 2ab, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार होता कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया होता, तब आपका बस इतना सा चेंज होता, a स्क्वायर करना है, b स्क्वायर करना है, माइनस के यहां पर आ जाते 2ab, ठीक है, ये आपका पास ये दूसरा तरीका होता। तीसरी बात, आप अगर इस तरीके से पूछना चाहते थे कि a स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर होता तो उसे किस प्रकार लिख सकते थे, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता कि एक बार तो आपका प्लस का बन जाता और दूसरा आपका a माइनस बी आपका माइनस का बनता, ये इस प्रकार खुलता, ठीक है। तो ये थे आपका इंपॉर्टेंट, इस तरीके से वो फॉर्मूले आएंगे तब बता दूंगा, ठीक है, वैसे ये चीजें इस प्रकार से खुलती है, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज एग्जाम्पल 4 समझ में आया, क्वेश्चन 4 समझ में आया आपके, ठीक है, वैसे मैंने तीनों बता दिए हैं,
ए प्लस बी का स्क्वायर हो तब क्या हो, ए प्लस ए माइनस बी हो तब क्या हो, ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तब क्या हो, ये ज्यादा बेस्ट रहता है, क्वेश्चन कई बार इससे बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसका तो आंसर आप सभी के सामने मिल गया, 85 इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसको आपको सॉल्यूशन करना है जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चन इजी है। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलो आंसर बताइए इसका। चलो देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा आपका। देखिए मैंने सबसे पहले आपको ये तरीके, जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको, फ्रैक्शन पढ़ाया था, तब मैंने एक चीज आपको, अगर आपको याद होगी तो मैंने एक चीज नोट करवाई थी, जब भी आपको मिश्रित भिन्न दी हुई हो, जैसे 4 सही 2/3 दिया हुआ हो, तो इसको हम क्या क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 4 3 12 और 13 14 हो गया, 14/3, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, हमने क्या क्या किया है वो हम इसको इसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, जैसे मैंने 4 किया है, 4 प्लस 2/3 करोगे तो भी आपका आंसर यही रहेगा, कैसा भी कीजिए इसको इस प्रकार से कीजिए तो भी आपका आंसर ये रहेगा, और अगर इसको आप इस प्रकार से करते हो तो भी आपका आंसर यही बनेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार में अगर इसको जो जिसको ये चीज पता है उसमें तो इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे 8 दिया हुआ है, मैंने 8 लिखा, ठीक है, 1/6 लिखा हुआ है, प्लस मैंने क्या किया, 1/6 कर दिया, या मैंने 5 कर दिया, 4 कर दिया, प्लस आपके पास 1/6 दिया हुआ है, प्लस 1/8 दिया हुआ है, प्लस 2/3 दिया हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्या है, इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन है। अब ये समझ रहे हो इसको मैंने इस प्रकार क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, समझ गए होंगे, 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, एक जगह लिख दिया, ठीक है, जो बटे में दी हुई है मैंने एक जगह कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करता हूँ 8 5 4 तो कितना होगा, 5 4 9 हो गए, 9 में 8 ऐड करते हो तो 17 बनता है, और 17 देखो आपके ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में नहीं है, तो आपका आंसर ये तो गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 1/6 दिया हुआ है, अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम आपके पास कितना बनता है, 8 या 24 बनता है, कितना बनेगा, 24 बनेगा। अब एक बात ध्यान देना कि 24 आपका बनता है तो बटे में देखो इसमें 24 था लेकिन ये तो पहले कैंसिल हो गया, इसमें 48 है तो ये तो वैसे ही आपका गलत हो गया, यहाँ पर 17 है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, 24 आपके पास यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी तो ये सही होता, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं, 24 हो गया एलसीएम, तो 6 चौका 24, 8 3 24, 3 7 21, 3 2 24 और 8 2 16, 20 और 23/2 आपके पास बना है 24, ठीक है, यानी 23/24 बना है, ऑलरेडी 17 हमारे पास दिया हुआ है, तो 17 सही 23/24 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर ए था वो तो सही है, और जिसका आंसर बी में आ रहा है वो गलत होगा, सी में भी आ रहा है वो भी गलत है, ठीक है। तो ये थे आपका आंसर, इसका इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन किया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो गया ए। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखना है, और इसमें आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, ध्यान रखना।
देखिए इसमें क्या होगा, एक कार्यालय में, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, एक कार्यालय में 108 पंखे हैं। कितने फैन हैं? 108 फैन है आपके पास, ठीक है। उसी प्रकार कूलर भी दिया हुआ है, कूलर आपके पास दिया हुआ है 132, ठीक है इतना। अब इसमें कहा क्या क्या कहा गया है कि यदि इनमें 1/6 पंखे, 1/4 कूलर टूट गए हैं, ठीक है, टूटे हुए कूलर, टूटे हुए फैन, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं टूटे हुए कूलर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना टूटे हुए कूलर 1/6 है, समझना, 1/6 कूलर टूट गए हैं, ठीक है, और 1/4 कूलर टूट गए हैं। तो बताओ इनमें से, तो पहले ये चीज बताइए, ये जो टूटे कूलर फैन है तो बिना टूटे कितने हैं, बिना टूटे हुए कितने हैं, बिना टूटे हुए, तो बिना टूटे हुए क्या है, कितने होंगे, बिना टूटे हुए आपके पास होंगे 1/6 तो टूट गए हैं, तो एक में से मैं अगर 1/6 माइनस कर दूंगा तो कितना होगा आपके पास, 5/6, कितना होगा, 5/6, और 5/6 आपके पास क्या है, बिना टूटे हुए फैन है, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या करना, टूटे हुए कूलर आपके पास 1/4 है, तो बिना टूटे हुए कूलर कितने हैं, 1/4 है, तो करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 आपके पास 4 बनेगा, और ये 3/4 क्या है, बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए फैन, कूलर, सॉरी कूलर, ठीक है। तो ये थे बिना टूटे हुए कूलर, ठीक है, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर ठान लेते हो तो आप 2 महीने में, अगर आपकी तैयारी नॉर्मल पहले से तो होगी, ठीक है, लेकिन अगर आपकी फिर भी नहीं होती है और फिर भी आपने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, तो बिल्कुल कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। समय का कोई फेर नहीं है, वो किसी का इंतजार नहीं करता है, तो फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कोशिश तो कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करने में हर्जी क्या है, इससे क्या होगा कि कोशिश अगर अब भी आप शुरू करना चाहते हो पढ़ना, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका एमसीक्यू करेंगे या कोई थ्योरी करना चाहते हो तो उसमें आप जल्दी से करना चाहोगे, भाई जल्दी से हमारा कंप्लीट हो जाए, काश इसी में हो जाए, तो आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि आप एक बार करना चाहोगे उसे पूरा। और सिलेबस कवर होने के बाद भी अगर बाई चांस आपका नहीं भी होता है कारणवश, तब भी आप वो कर सकते हो, अगली बार आपका पक्का है, तो वो काम आप कर लीजिए, ठीक है, कर तो सकते हो अगर चाहो तो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत तो आपको अब से कम 5 गुना करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बिना टूटे आपके पास बचे हुए हैं, और अब देखो क्या पूछा, टूटा हुआ पता लगा लिए हैं, उस कार्यालय में कितने कूलर और फनके सुरक्षित हैं ये बताने हैं। 108 टोटल है, 108 आपके पास टोटल है, और बिना टूटे हुए कितने हैं, 5/6, 5/6 बिना टूटे हुए हैं। 132 टोटल कूलर है, जिसमें से 3/4 क्या है, बिना टूटे हुए हैं, तो 6 से काटोगे तो 6 कम 6 बनता है, और 6 छंग 36, 6 सात 42, और 6 आठ 48, 18 पंजे होता है 90, ठीक है। उसी प्रकार 4 ती होता है 12, और 4 ती 12 यानी 99। अगर देखो बात ऐसी है, कूलर कितने कूलर या फंके पूछता है कि कितने फंके सुरक्षित हैं, तो कितने फैन सुरक्षित है, 90, कितने फैन सुरक्षित है, 90 फैन सुरक्षित है। अगर कूलर के लिए पूछता है कि कितने कूलर सुरक्षित है, 99, जो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, 99 ऑप्शन में नहीं है, यानी ई ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। अब एक बात इसमें और पूछिए कि अगर वो पूछता कि फैन और कूलर इन दोनों की संख्या कितनी है, तो दोनों को एड कर दीजिए, दोनों को एड करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 189, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना सिखा रहा हूं मैं आपको, 189 ये भी ऑप्शन में नहीं है फैन और कूलर का, तो आपका आंसर देखो इसमें ना तो 99 है ना 89 है, 189 है, तो आपका आंसर देखो इसमें क्या बनेगा, 90, यानी इसमें फैन की संख्या कितनी है, फैन की संख्या है इसमें 90, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो तो यहां तक तो सभी का क्लियर हो गया होगा, बी इसका राइट ऑप्शन। अब 7 में देख लीजिए, 7 का क्या होगा, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम जानते हो,
डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले बड़ी संख्या माइनस की नहीं है, ये ध्यान रखना। 3/5 है, 3/5 दी हुई है, 7/9 दिया हुआ है, 11/13 दिया हुआ है। पहले आपको बड़ी लिखनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में चलना है, पहले बड़े फिर छोटी फिर छोटी, इस प्रकार लिखनी है। तो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हो तो किस प्रकार से आपका आंसर बनता है। तो देखो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा, पहले तो 3/5 और 7/9 में क्या करो, बड़ी का पता लगाओ कि बड़ी कौन सी है या छोटी कौन सी है। तो 9 से मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 3 27 होता है, उसी प्रकार 7 से 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 7 35 बनता है, ठीक है। तो 35 बड़ा है या 27 बड़ा है, तो आप सभी को बताया या 35 बड़ा है, यानी 7/9 जो भिन्न है वो आपकी इस 3/5 से बड़ी है, ठीक है। अब इससे बड़ी है तो इससे बड़ी भी कोई होगी क्या, इसमें देखते हैं कि 11/13 बड़ी है छोटी है, तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे। 13 7 91 बनता है और 11 9 99 बनता है, मतलब ये इससे भी बड़ी है, ठीक है। यानी 91 और 99, तो बड़ी कौन सी है, 99 वाली, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 11/13 सबसे बड़ी। उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी होगी 7/9, फिर उससे छोटी कौन सी होगी, उससे छोटी होगी 3/5। ये तरीका आपका आएगा और ये ऑप्शन किसमें है, 11/13, 7/9 और 3/5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ए जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 की बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि नंबर्स ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट 36 ऑफ इक्वल नंबर इज इट। इसमें पूछा है कि जो आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं उसमें 36 किसका इक्वल नहीं है, वो बताना है, 36 किस में नहीं आएगा वो देखना है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। आंसर सभी को देना है, देखते हैं 8 में क्या आंसर आया है, जल्दी से बता दीजिए। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ओके, बी आंसर। चलो देखते हैं, देखिए इसमें क्या कहा है, 36 के इक्वल नहीं है, क्या चीज 36 के इक्वल नहीं है। देखो मैं 9 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 4 36 होते हैं 36, और वो भी माइनस माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 36 बनेगा इसमें, तो ठीक है। इसमें देखिए 12 3 36 बनता है, और 36 माइनस माइनस करूंगा तो प्लस का बनता है, यानी 36 सही है। इसमें देखते हैं 36 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 36 बचता है प्लस का, ठीक है। तो तीनों आंसर सही है, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं 1/2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में माइनस का 72 दिया हुआ है। देखो बात ऐसी है, 36 तो सही है, 36 तो सही है आएगा, लेकिन इसमें देखो माइनस की वैल्यू है, तो माइनस 36 आएगा, जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा इसका आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि आपके पास देखो यहाँ पर माइनस 10 दिया हुआ है, डिवाइड का चिन्ह है पहले तो, ठीक है, डिवाइड का चिन्ह है 2 से, फिर आपके पास बाहर फिर से ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई में माइनस 4 है। तो देखते हैं इसका इसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है, जल्दी से बता दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल 8 में सी। ओके, डी की तरफ आ रहे हैं, चलो देखते हैं। देखिए पहले मैंने क्या कहा था, जब बोर्डमास का नियम आप काम में लेते हो उसमें आपको बहुत फायदा पड़ेगा, बोर्डमास, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपका पूरा कवर हो जाए, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मुझसे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। माइनस 10 दिया हुआ है,
उसमें डिवाइड करना है 2 से। इसका मतलब ये है, सबसे पहले इसमें डिवाइड करना है, जो ब्रैकेट को सोल्व करना है पहले। तो 2 पंजे आपके पास 10 बचा, यानी माइनस का 5 बचा है। इस ब्रैकेट को मैं अगर सोल्व करता हूँ तो बड़ा ब्रैकेट आता है, और बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ तो इनटू आपके पास कितना आता है, -4। ठीक है, अब मैं माइनस पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का, तो आपके पास प्लस के 20 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब इसका आंसर देना है, अगर जिसका भी इसका राइट आंसर होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, यानी इसने ध्यान से देखी है हर चीज को। इसमें बताना है कि इसमें अंतर कितने का है, जल्दी से बताना है इसमें अंतर कितने का है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है हमारे। जैसा भी हो आपको आंसर बताना है इसका। गुड मॉर्निंग माही जी, गुड मॉर्निंग। चलो, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, इतना टाइम नहीं लगाना यार। इन दोनों में इसने पूछा है हाउ मच लो इज इट, यानी कि इन दोनों में आपको कितने का अंतर है वो पूछ रहा है वो। ठीक है, या ऐसे बताना है, अंतर नहीं बताना आपको, इसमें बताना है कि इससे कितना कम है, इतना बताना है, क्या इससे कितना कम है, ये चीज आपको बतानी है। बी आंसर आया है माइनस की 5। ओके, और बताइए। ए आंसर आया है, बी आंसर भी आया है, बी आंसर भी आया है, बी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ओके, माही का आंसर 5 आया है। ओके, अच्छी बात है। चलो देखो, इस प्रकार का मैंने एक बार पहले भी बहुत पहले क्वेश्चन करवाया है, फिर भी आप गलतियां कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इसमें पूछा है लो इज इट, यानी इससे कम कितना है, कितना कम है इससे। ठीक है, पहले तो ये बताइए कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी कौन सी है। सबसे छोटी, इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी संख्या कौन सी है बड़ी कौन सी है तो वो बताना है, तो आप क्या बताओगे, छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें। इसमें दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, आप इतना सा बता दीजिए, देखते हैं कितनों का आंसर सही होगा। छोटी संख्या कौन सी है इन दोनों में से, -8 होगी या -3 होगी। देखिए, बात मैं ऐसे पूछ रहा था कि इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इतना सा बता रहा था। लो माय, बिल्कुल देखो, यहां पर देखोगे तो सबसे छोटी, इन दोनों की अगर संख्या पूछता हूं तो लो संख्या तो कौन सी है, ये हो गई, और हाई संख्या कौन सी है आपके पास, हाई संख्या ये हो गई, यानी बड़ी संख्या तो आपके पास -3 होती है और छोटी संख्या आपके पास -8 होती है। अब ये पूछ रहा है कि आपसे ये कितना कम है, क्या पूछ रहा है, इससे कितना कम है, तो एक बात बताइए कितना कम होगा। अगर मैं -8 है आपके पास, कितना है, माइनस का 8 है, -3 कैसे आएगा इसमें, कोई बताएगा मेरे को -3 कैसे आएगा, -3 कैसे आएगा, तो यहाँ पर मैं कितने रखूं कि आपके पास -3 आ जाए, बताइए यहाँ पर मुझे कितना रखना चाहिए कि आपके पास -3 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं कितना रखूंगा, प्लस का 5 रखूंगा। अगर मैं प्लस का 5 रखता हूं तो आपके पास आंसर कितना बनता है, आपके पास आंसर बनता है -3। अब एक बात बताइए, जो भी माइनस का आंसर दे रहे हैं, माइनस का 8 है, अगर मैं माइनस का 5 करता हूं तो आपके पास आंसर कितना बनता है, 8 और 5 कितना होता है, 11 बनता है ना, 13 बनता है, और 13 किसका बनेगा, माइनस का। तो क्या ये आंसर सही है, क्या जिसने माइनस का आंसर दिया वो गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आपने क्या करना है, आपको प्लस का 5 करना है। अगर प्लस का 5 करते हो तब जाके आपको अंतर कितना आता है, -3 आता है, और अगर इन दोनों के बीच में अंतर कितना रहा, प्लस का 5, याद रखना प्लस का 5 आपका अंतर रहेगा।
तो इसका राइट आंसर है आपके पास ए। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से बताना है कि आकलन क्या चीज है, आकलन क्या है इसमें बताना है। तो आकलन देखो जल्दी से आंसर बताना है आप सभी को। इसमें देखो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को लेबल और वर्गीकृत करने के लिए एक अच्छी रणनीति है आकलन का, ये उद्देश्य है, ठीक है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और तनाव उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है। सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या लगा है, ठीक है। आकलन का मतलब क्या करते हो, कोई भी आप काम करते हो तो उसका आकलन करते हो पहले, ठीक है, बाद में जो भी है, ठीक है। तो आकलन का मतलब क्या है कि जो आकलन करते हैं हम, जैसे हमने कोई क्वेश्चन कर लिया, अब फिर हम इतने क्वेश्चन करने के बाद में हम अपना आकलन करते हैं कि किस तरीके से हमने पहले क्या किया था फिर क्या किया है, ठीक है। तो आकलन क्या हो जाएगा, आकलन आपका हो जाएगा सीखने में सुधार करने का एक तरीका होता है आकलन, ठीक है। तो ये बिल्कुल, तो आपका राइट आंसर इसमें डी हो गया, करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल माही जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका 11 में डी, बिल्कुल डी, ठीक है रोहित जी, बिल्कुल सही आपका डी आंसर। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है असाइनमेंट इज, ये क्या है, पर्पसफुल इफ, यानी मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है। बिल्कुल खुशबू जी, 11 में डी हो गया है। इसमें ध्यान से पढ़िए कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि उसमें क्या होना चाहिए, यदि छात्रों और शिक्षकों के लिए फीडबैक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो मूल्यांकन लेते हैं वो उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानना है, ये छात्रों को, ये छात्रों और शिक्षकों के अपने के लिए फीडबैक के रूप में जानते हैं क्या इसको, नहीं पता नहीं, देखिए आप आंसर बताइए 12 का, ठीक है। यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाना चाहिए, ये तो भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। छात्रों और छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यह छात्रों में भय और तनाव पैदा करता है। जल्दी से बता दीजिए 12 का क्या होगा, 12 का क्या आंसर है, 12 का ए आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 12 का, नहीं करेक्ट तो नहीं कह सकता लेकिन ए आंसर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। गलत भी हो सकता है दोस्तों, गलत भी हो सकता है, बिल्कुल। तो माही जी, मेला जी, रंबा जी, बिल्कुल, तो आपका सभी का आंसर सभी को क्लियर है, बिल्कुल। मूल्यांकन से हमको क्या पता चलता है, हम अगर टीचर हैं तो, क्योंकि छात्रों से अगर हम वार्ता करेंगे, मूल्यांकन करेंगे उनका, तो आपको अपने फीडबैक के बारे में भी पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ाया है। अगर बच्चा सही से जवाब दे रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भाई बिल्कुल सही पढ़ाया है, जिससे बच्चा भी जवाब दे रहा है, तो फिर मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उससे हमें क्या पता चलता है, अपना ही फीडबैक का पता चलता है। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका आंसर दीजिए, जो हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन करना जरूरी है, जिससे हमें भी अपना पता चल जाता है कि हाँ हमने कितना कुछ सही किया है। बिल्कुल, अब देखिए शिक्षा में मापन का उद्देश्य क्या है, जो शिक्षा है उसके अंदर मापन यानी मेजरमेंट का उद्देश्य क्या है वो बताना है। लक्ष्यों की उपलब्धियों को मापे, शिक्षक की क्षमता का मूल्यांकन करें, मूल्यांकन के लिए जानकारी एकत्रित करें, छात्रों के बारे में निर्णय लेना चाहिए, निर्णय ले। अब बताइए इसमें क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही है, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि आप और कुछ कर लें, ठीक है, तभी तो हड़बड़ाहट में हम कर देते हैं, कोई हमें क्या बता रहा है, कोई हमें क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग अपने आंसर सही है, लेकिन अगर किसी ने कहा कि ये नहीं होगा दूसरा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अपने उत्तर पर अटल रहना सीखिए, ठीक है, जैसा भी हो अपने उत्तर पर अटल रहना सीखिए, ठीक है, चाहे वो गलत हो, ठीक है, जब तक आपको उस क्वेश्चन की सच्चाई ना मिल जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कोई अगर उसके बारे में आपको जैसा तैसा आपके पास आंसर आया है, ठीक है, तो वो आंसर दीजिए। जब तक आप उस क्वेश्चन को सही मानोगे, तब तक आपको आंसर वो सही मानना है, तब तक उस क्वेश्चन का आपको दूसरा आंसर ना बताया जाए, और बताया भी जाए तो उसके बारे में रहस्य जानना है आपको कि किस प्रकार से इसका आंसर आया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है, ठीक है, हाँ, तब तक आपका आंसर वही रहेगा जो आपने सोचा है। चलो, इसका राइट आंसर सभी का मिल रहा है 3 में, इसमें क्या होगा 13 में ए आंसर सभी का, लेकिन ए नहीं हो रहा है, इसमें होगा 3। अब कारण भी समझ लीजिए,
शिक्षा में मापन का उद्देश्य क्या है, जो शिक्षा के अंदर मेजरमेंट है उनका उद्देश्य क्या है, जो शिक्षा के अंदर गणना करते हैं हम, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, शिक्षा के अंदर उसमें मापन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्यों की उपलब्धि की मापे करना, ठीक है, शिक्षक की क्षमता के मूल्यांकन करना, ये तो मूल्यांकन के लिए जानकारी एकत्रित करना, ये समझ रहे हो, इसका मतलब समझिए कि मूल्यांकन के लिए जानकारी एकत्रित करने के मेजरमेंट समझते हो क्या होता है, यानी किसी भी चीज को हम मापते हैं उसके लिए जो यंत्र काम में आता है वो होता है आपका मेजरमेंट, ठीक है, यंत्र। तो शिक्षा में मापन का जो उद्देश्य है वो है मूल्यांकन से, यानी ये एक मेजरमेंट है, यानी एक मूल्यांकन एक क्या है, एक मेजरमेंट है, शिक्षा को मापने का एक क्या है, मेजरमेंट है। इसी से तो हम आइडिया लगा सकते हैं शिक्षक और विद्यार्थियों का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसलिए ये जानकारी एकत्रित करने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन के लिए जानकारी एकत्रित करना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 इसलिए होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसका देखिए 14 का कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ध्यान में रखना है, बिल्कुल, यस, उसी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, ठीक है, 14 का आंसर भी बता दीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। पूछिए और इसका आंसर दे दीजिए। 14 में डी, ओके, 14 में डी। देखो कोई भी क्वेश्चन में डाउट होती है, अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, इसमें मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में जानकारी पूछ रहा है, स्थापित करें कि सीखना वास्तव में हासिल किया गया हो, ठीक है, जानिए बच्चे ने क्या सीखा है, बिल्कुल, ये सभी मेजरमेंट, यानी ये आपके पास इसी के उदाहरण है, ठीक है, बच्चे को सीखने की कठिनाइयों के बारे में जाने, ठीक है, ऊपर के सभी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें 4 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, डी इसका करेक्ट आंसर है 14 में। अब देखते हैं 15 का आपको आंसर देना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है मूल्यांकन की, ठीक है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए 15 में, कि व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को कवर करने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, ये पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, क्या होगा इसका आंसर, 15 का आंसर देना है, देखते हैं कितनों का आंसर होगा सटीक, आंसर सभी को देना है, ठीक है, अभी तक किसी का आंसर नहीं है यार, ऐसा नहीं करना। देखिए, निम्न में से कौन मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, बात बेस्ट है, व्यवहार के तीनों क्षेत्र को कवर करने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है, यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है, यह कार्य के अंत में किया जाता है, यह शिक्षक और सिखाई गई आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ठीक है, इसमें आंसर आपका क्या आ रहा है, 15 में बी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, बी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है, तो सामने आंसर आ चुका है, बी का कंफ्यूजन किसका था, अरशद अहमद जी का, बाकी सभी का आंसर 15 में सी आया, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल, मेरे पास आंसर लेट पूछ रहा है, तभी तो टाइमिंग ज्यादा लग जाता है, चलो तो देखते हैं, इसमें आंसर सभी के आ गया है, इसमें पूछा है कार्य के अंत में न किया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी क्लियर है, ठीक है, बाकी तो सभी को ठीक है, लेकिन आपका ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपके पास 3 है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है आपको, ठीक है, सत्य बताना है, तो मूल्यांकन मापन का एक घटक है, मूल्यांकन मापन का विस्तार है,
मूल्यांकन एक शब्द है जिसका उपयोग मापन के साथ परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। मूल्यांकन मापन में पूर्णतः भिन्न है। मूल्यांकन मापन से पूर्णतः भिन्न है। इसमें बताना है कथन सत्य कौन सा है। मूल्यांकन एक शब्द है जिसका उपयोग मापन के साथ परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। ए ए की तरफ आंसर, ए ए की तरफ आंसर आ रहा है। इसमें आंसर मूल्यांकन मापन का विस्तार है। ध्यान रखना क्या है, मूल्यांकन मापन का विस्तार है। आपने ए और सी की तरफ क्यों बढ़ रहे हो, ए और सी क्यों बढ़ रहे हो। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। मैंने क्या कहा था, मूल्यांकन मापन का विस्तार है। अभी हम पढ़ के आए थे पहले वाले क्वेश्चन में ही, आपको पता होगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि मापन मेजरमेंट के बारे में कहा था कि मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट अगर देखी जाए तो मूल्यांकन का ही एक अहम रोल रखता है। ठीक है, चलो तो इसमें आगे देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है, मापन और मूल्यांकन का उपयोग उपयोग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। मूल्यांकन और मापन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, मूल्यांकन और मापन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ध्यान रखना। शिक्षण की प्रभावशालिता की जांच करना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षक में सुधार करने के लिए, शिक्षण में सुधार करने के लिए, और ऊपर के सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 में जल्दी से बता दीजिए, 17 में जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। ओके, डी डी की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए 18 में इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के लिए त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, यानी मूल्यांकन के जो तीन कोण होते हैं उसका हिस्सा कौन सा नहीं है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, मूल्यांकन के तीन हिस्सों में जो एक हिस्सा नहीं है वो बताना है। अगर आप पढ़े हुए हो अगर ये चीज को, तो आप बता सकते हो, अन्यथा इसका आंसर नहीं दे पाओगे। शैक्षणिक उद्देश्य से मूल्यांकन शिक्षण अनुभव, सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से बताइए, पहले आपके हिसाब से भी बता दीजिए आंसर, तो फिर बताएंगे ही। जिसका पढ़ा हुआ है आंसर दे सकता है। 18 में क्या आंसर, 3। जल्दी से बता दीजिए, अपना टाइम भी हो गया है। 18 में डी आंसर आया है। ओके, अच्छी बात है, 18 में डी आंसर आया है, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 19 में देखिए, सीखने में अंतराल का निदान द्वारा पालन किया जाना चाहिए, किस निदान द्वारा पालन किया जाना है, सीखने में अंतराल का निदान द्वारा पालन किया जाना चाहिए। गहन कवायद और अभ्यास, उचित उपचारात्मक उपायों का प्रशासन, सभी पाठों को व्यवस्थित पुनरीक्षण, शिक्षार्थियों और उनके माता पिता को निरीक्षणों की रिपोर्ट करना, राइट आंसर बता दीजिए। नाइनटीन में क्या दिखा बताया गया है, 19 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर बिल्कुल 19 में डी नहीं होगा। कारण पढ़िए पहले, तो सीखने में अंतराल का निदान द्वारा पालन किया जाना चाहिए, गहन कवायद और अभ्यास नहीं, ठीक है। उचित उपचारात्मक उपायों का प्रशासन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो आपको सीखने का अंतराल, जो लर्निंग एग्जाम देते हैं आपके, ठीक है, अंतराल देते हैं आपको, तो वो प्रशासन के द्वारा ही दिया जाता है। सभी पाठों का व्यवस्थित पुनरीक्षण करना, शिक्षार्थियों और उनके माता पिता द्वारा निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, तो ये कोई जरूरी नहीं लगता, लेकिन ये आपको प्रशासन द्वारा हमेशा ही क्या कहा जाता है, एक सीखने के अंतरली अंतराल। जैसे मैंने आपको सिक्स पढ़ाया, सिक्स के अंदर साल भर का अंतर कर दिया, ठीक है, सिक्स के बाद में, साल भर के बाद में सेवंथ पढ़ोगे, उसके बाद में एट्थ पढ़ोगे, तो ये कमाल किसका है, ये प्रशासन का ही कमाल है, ठीक है। टेस्ट लेना, एग्जाम लेना है, ये सभी प्रशासन के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। तो सीखने में जो अंतराल दिया जाता है, अंतराल द्वारा निदान द्वारा पालन किया जाना चाहिए, तो किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और उपचारात्मक उपायों उनके द्वारा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपके सामने है। 20 में देखिए, नैदानिक परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य पहचान करना है, किसका पहचान करना है, कक्षा के प्रदर्शन में कमजोर का सामान्य क्षेत्र, आवश्यक सुधारात्मक कार्यक्रम की विशिष्ट प्रकृति, शैक्षणिक कठिनाइयों के अंतर्निहित कारण, छात्र कठिनाइयों की विशिष्ट प्रकृति। तो इसका राइट आंसर आपके सामने कितना हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर होगा, शैक्षणिक कठिनाइयों के अंतर्गत अंतर्निहित आपके पास कारण, ठीक है। अब देखिए, आज के लिए इतना ही रहेगा साथियों, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए, कोई क्लास आपकी बाय चांस नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वहां पर यूजीसी नेट की सारी क्लासें वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, टेक केयर, बाय बाय, और अपनी कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखना, ठीक है। कंटिन्यूटी से आपको क्या है कि रेगुलरिटी बनाए रखोगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं इसमें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना और स्टडी करते रहना।